Good morning students, you are welcomed in RC Education Hub. Today we are going to talk about a new topic of digestive system of humans. जिसके अंदर जो है अपन नए टॉपिक की बात कर रहे हैं एंड द नेम ऑफ टॉपिक इज हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. और इससे पहले जो अपन ने फेरेंजियल रीजन तक पढ़ लिया था, फेरेंजियल रीजन तक पढ़ने के बाद में एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट हो रही है. बट एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ने से पहले जो है इसकी हिस्टोलॉजी के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है. सबसे पहले तो यही देखते हैं कि हिस्टोलॉजी होती क्या है. द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज डीलिंग विद द स्टडी ऑफ टिश्यू. साइंस की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर जो है अपन टिश्यूज की स्टडी कर रहे हैं. द ब्रांच ऑफ साइंस इज नोन एज हिस्टोलॉजी. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट व्हाट काइंड ऑफ टिश्यूज आर फाउंड इन एलिमेंट्री कैनाल और विच काइंड ऑफ टिश्यू आर मेकिंग एलिमेंट्री कैनाल. तो अब हम देखने वाले हैं कि एलिमेंट्री कैनाल जो है उसके अंदर कौन से टिश्यूज पाए जा रहे हैं, किस तरीके से जो है एलिमेंट्री कैनाल को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं. तो दिस होल स्ट्रक्चर इज ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जिसकी जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है. आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज सीरोसा. आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज सीरोसा. दिस इज ऑल्सो नोन एज पेरिटोनियम. दिस इज ऑल्सो नोन एज पेरिटोनियम. दिस इज कंसिस्ट ऑफ सिंपल स्क्वैमोस एपिथीलियम. दिस इज कंसिस्ट ऑफ सिंपल स्क्वैमोस एपिथीलियम टिश्यू और एपिथीलियल टिश्यू. इसके जस्ट नीचे बिलो दिस लेयर देयर इज अनदर लेयर प्रेजेंट. That layer is known as muscularis. And muscularis is consists of two types of muscles or two layers. Muscularis is consists of two types of layer or muscles. जिसके अंदर outer तो होती है longitudinal muscle और अंदर की तरफ जो पाई जाती है उसको अपन बोलते हैं circular muscle. Muscularis के अंदर भी जो बाहर वाला जो region दिख रहा है आपको, that region. That is the longitudinal और अंदर की तरफ जो पाया जा रहा है that is circular. इसके बाद में अपन बात करते हैं third layer की. The third layer is submucosa. This submucosa is found beneath the muscular layer, muscularis. This third layer is found beneath the second layer muscularis. इसके अंदर जो है blood vessels पाई जाती हैं. It is containing blood vessels. Blood vessels, fibers, nerves, और इसके अलावा connective tissue. मतलब कि जो third layer है submucosa के अंदर blood vessels पाई जाती हैं, fibers पाए जाते हैं, we can say nerve fibers पाए जाते हैं. इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यूज भी पाए जाते हैं लाइक एडिपोज टिश्यू. इसके बाद में अपन बात करते हैं सबसे अंदर वाली लेयर को अपन बोलते हैं म्यूकोसा. और म्यूकोसा जो है तीन लेयर से मिलकर कंसिस्ट होती है. द म्यूकोसा इज कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर्स. द आउटर मोस्ट इज मस्कुलरिस म्यूकोसा, देन मीडिएट इज लैमिना प्रोपरिया एंड थर्ड इज एपिथीलियल लेयर. थर्ड इज एपिथीलियल लेयर. इसका मतलब म्यूकोसा जो है सबसे अंदर वाली होती है और इसके साथ में जो है तीन लेयर से मिलकर कंसिस्ट होती है, मस्कुलरिस, लेमिना प्रोपरिया एंड एपिथीलियल लेयर. ओके, इसके अलावा जो सबसे अंदर जो है ग्रो पाया जा रहा है, ब्लैंक स्पेस पाया जा रहा है, दैट ब्लैंक स्पेस इज नोन एज ल्यूमेन. ओके, जिसके अंदर फूड जो है कंटिन्यूअसली ट्रैवल करता रहता है. बट आपको जो है कुछ इनफोल्ड्स दिख रहे होंगे. दीज इनफोल्ड्स आर नोन एज विलस और विलाय. इनको जो है अपन विलाय बोलते हैं और दीज आर मेड ऑफ इनर मोस्ट लेयर दैट इज म्यूकोसा. फिर इनके ऊपर अगेन जो है छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है. उन छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स को अपन बोलते हैं माइक्रोविलस और माइक्रोविलाय. उनको अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाय. इनका मेन फंक्शन होता है नंबर वन इज इंक्रीजिंग सरफेस एरिया. Number one is increasing surface area and second is these are helpful in absorption of food. इसके अलावा अपन बात करते हैं फिर से मस्कुलरिस की. जब अपन स्टमक पढ़ेंगे तो स्टमक के अंदर अपन देखेंगे कि स्टमक की जो मस्कुलरिस है उसके अंदर दो लेयर की पाई जाती है. कितनी पाई जाती है, तीन. वन इज लॉन्जिट्यूडनल, सेकेंड इज सर्कुलर एंड थर्ड इज ऑब्लिक मसल्स. Third is
ऑब्लिक मसल्स। इस तरीके से जो है तीन लेयर पाई जाती है ओनली एंड ओनली इन स्टमक। इसके अलावा सब कहीं पे यही पाई जाती है, आउटर मोस्ट सिरोसा, सेकेंड इज मस्कुलरिस, थर्ड इज सबम्यूकोसा, फोर्थ इज म्यूकोसा। सिरोसा इज कंसिस्ट ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, मस्कुलरिस इज कंसिस्ट ऑफ लॉन्जिट्यूडनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स, सबम्यूकोसा इज कंसिस्ट ऑफ नर्व फाइबर्स, ब्लड वेसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज, एंड म्यूकोसा इज कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर्स, मस्कुलरिस म्यूकोसा, लैमिना प्रोपरिया एंड एपिथेलियल लेयर। अंदर के अंदर जो इनफोल्ड्स पाए जा रहे हैं दीज आर विलाए, इनके ऊपर फ्री स्ट्रक्चर्स पाई जाती है उनको बोलते हैं माइक्रोविलाए, और अंदर का जो ब्लैंक स्पेस होता है दैट इज ल्यूमेन। इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसोफेगस और स्टोमक। ओके थैंक्स।